हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट या स्पीच थेरेपिस्ट बन जाते हैं तो आप किन किन सेटअप्स में काम कर सकते हैं। देखिए, अगर आप स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट बन जाते हैं तो आप बहुत सारे सेटअप्स लाइक हॉस्पिटल सेटअप, जहाँ पे आप चाहे तो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन, चाहे तो जेरियाट्रिक पॉपुलेशन, न्यूरो केसेस, वॉइस केसेस, इन सब के साथ वर्क कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट वॉइस के अंदर है तो उस केस में प्रोफेशनल वॉइस यूजर्स के साथ, सिंगर्स के साथ, टीचर्स के साथ आप काम कर सकते हैं। उसके साथ ही आप स्पेशल स्कूल्स में भी काम कर सकते हैं, जहाँ पे स्पेशल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं एंड जिस भी स्टूडेंट को स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है वो आपको कंसल्ट कर सकता है। इसी तरीके से आप बहुत सारे एनजीओज हैं जो कि स्पेशल पॉपुलेशन के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, आप उनके साथ भी कोलैबोरेट होके काम कर सकते हैं। उसके बाद सबसे अच्छी बात, आप बैचलर्स डिग्री के बाद ही अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। बैचलर्स डिग्री दैट इज BASLP, बैचलर्स इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। आप अपना खुद का क्लिनिक स्टार्ट करिए। आप चाहे तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लाइक न्यूरोलॉजिस्ट, ENTs, पीडियाट्रिशियंस, साइकोलॉजिस्ट, स्पेशल एजुकेटर्स, इन सब के साथ कोलैबोरेशन में भी वर्क कर सकते हैं। एंड उसके अलावा अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है, आप PhD करिए और रिसर्च वर्क के अंदर भी आप काम कर सकते हैं। अगर आप भी एक प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आप कॉलेज में वर्क करना चाहते हैं, सो एज ऑफ नाउ RCI रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है एंड एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप प्रोफेसर की जॉब भी कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।